नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। और मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, डीएम आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि निवान भाई, हम अपने मोबाइल फोन में जितना भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, वो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ जो है, हमने जितना भी टेक्स्ट कॉपी किया है वो पुराना से पुराना, वो कहाँ जा कर के स्टोर होता है और कहाँ पर वो अवेलेबल होता है, तो हम उसे देखना चाहते हैं। तो इसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस पुराने से पुराने टेक्स्ट को कैसे आप जो आपने कॉपी किया है मटेरियल वो आप कैसे देख सकते हैं और कैसे उसे जहाँ भी आप फिर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपकी मर्जी, आप जो भी करें, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपने मोबाइल में जितना भी टेक्स्ट को कॉपी किया हो किए हो उसको आप कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले जैसे आपने मान लीजिए कुछ कॉपी किया, मैं अपने कीप नोट्स पर जाता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन में, और यहाँ से मैं कोई भी एक चीज़ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल तो मैं ये जो नया वाला है ये मैंने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद ये अभी जो मैंने मटेरियल कॉपी किया ये अभी किया है, लेकिन पुराना वाला भी जो मैं आपको अभी देख कर बताऊँगा, निकाल कर बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सअप में चलना है। ओके, फिलहाल मैं अपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने ही व्हाट्सअप अपने ही नंबर पर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, अब उसमें जो टेक्स्ट है मतलब जहाँ पर आप मैसेज टाइप करते हैं वो आपको वहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको ये आइकॉन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर गौर से स्क्रीन पर, इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्लिपबोर्ड वाला, इस क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जस्ट थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैंने जितने भी टेक्स्ट जो है कॉपी किए थे, ये देखिए अभी जस्ट इंस्टाग्राम सेटिंग रिसेट कैसे करें, इस तरह से यहाँ पर ये कॉपी किया था अभी मैंने, अभी आप हाल फिलहाल आपके सामने, तो ये कॉपी किया हुआ, ये अभी नया वाला टेक्स्ट है वो कॉपी किया था, और जो पुराना वाला जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर मैंने पहले जो है कॉपी किया था वो कैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में जितना भी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो इस तरह से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपको जहाँ कहीं भी जो कुछ भी करना है, जहाँ कहीं भी लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आगे भी रिकमेंड करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास कौन सा फ़ोन है और कौन सा फ़ोन में आप देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।